खाने में एक बहुत बड़ा कलंदर गुजरा है, बू अली शाह कलंदर। मैं आज के नामी कलंदरों की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तबीयतन कलंदर होना और है, हकीकतन कलंदर होना और है। है कलंदरी में इतना बड़ा मकाम तय किया कि आसमान से निदा आई, मांग मेरे कलंदर, मांग क्या मांगता है, है? अच्छा, हम जैसों को अगर आवाज़े गैबी आ जाए, मांग क्या मांगता है, तो सब कुछ मांग ले। परवरदिगार गुजरात भी दे दे, बंगाल भी दे दे, यूपी भी दे दे, एमपी भी दे दे, बंगला भी दे दे, गाड़ी भी दे दे, सब कुछ दे दे, मगर ये अल्लाह का कलंदर है। आवाज आई, मांग क्या मांगता है। कलंदर ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा, कहा पहले ये बता जो मांगूंगा तू दे पाएगा। अल्लाह जो मांगूंगा ये जुर्रत कलंदर ही कर सकता है, कोई बंदर नहीं कर सकता। कहा जो मांगूंगा दे पाएगा, कहा नहीं जानता है मैं, इन्ना काला कुल्ले शाइन कदीर हूं, मैंने कुन से फलकून कर दिया, एक लफ्ज़े कुन से सारे जहान को बना दिया, मैं कहता हूं हो जा और हो जाता है, तो मांग कर दे क्या मांगेगा। कलंदर ने सर उठाकर कहा जो मांगूंगा तू दे नहीं पाएगा। अल्लाह जो मांगूंगा तू दे नहीं पाएगा। कहा मेरी कुदरत को मत ललकार, मांग कर देख क्या मांगता है, मेरी अता में कोई कमी नहीं है। एक मर्तबा कलंदर ने आसमान की तरफ देखा, कहा ठीक है अगर देना ही चाहता है तो मुझे जमाने का अली बना दे। अगर देना ही चाहता है तो जमाने का कलन, जमाने का अली बना दे। बेदम शाहवारसी का दूसरा शेर कुदरत ने दोहराया, बेदम यही तो पांच है मकसूदे कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अरे जिस तरह एक जाते मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ ना होगा कोई दूसरा अली। कहा मेरे कलंदर कायनात में ना कोई दूसरा मोहम्मद हो सकता है, ना कोई दूसरा अली हो सकता है, मांग और क्या मांगता है। कलंदर ने मुस्कुरा कर कहा वही तो कह रहा था जो मांगूंगा दे नहीं पाएगा। कहा मेरी कुदरत को ललकारता है, मेरी कुदरत में कोई कमी नहीं, मगर दूसरा मोहम्मद दूसरा अली नहीं हो सकता, मांग क्या मांगता है। कलंदर ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा ठीक है अगर देना चाहता है, अली नहीं बना सकता तो क्या हुआ, अली के बदन की खुशबू दे दे मुझे। कहा ठीक है, तुझे खुशबू भी दी और बू अली शाह भी बना दिया। बू भी दी और बू अली शाह भी बना दिया। यही वजह है कि जहां से गुजरते थे इलाका महक जाता था। आज भी पानीपत जाना तो देख लेना वो खुशबू से आज भी दरगाह मुअत्तर है, इसलिए कि बू अली शाह कलंदर की दरगाह है। तो अली के गुलामों का तो यह आलम है, अल्लाह अकबर, तो अहले बैत का क्या आलम होगा। आपको पता है तरकी के सबसे बड़े वली जिनके नाम की दुहाई दी जाती है कौन है, हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अली। सबसे बड़े वली तरकी के जिनके नाम से बड़े बड़े बादशाह ने दुहाई दी है कौन थे पता है?